ठीक तो हो ना? इतनी घबराई हुई क्यों हो? चंपा तुम ठीक हो ना? क्या हो गया? चंपा कौन हो तुम? तेज सिंह जी, इस तरह अपनी अय्यारी का गलत फायदा उठाना अय्यारी के नियमों के खिलाफ है। हम जानते हैं, पर क्या है कि महल के गलियारों में खेले दम घुट रहा था, अचानक चपला दिखी तो जान में जान आ गई, लगा लिया गले। अच्छा बस बातें मत बनाइए, यहाँ आने का क्या कारण है? कारण तो हम नहीं जानते, पर पिताजी और माँ दोनों ने हमसे मुंह फेर लिया है और हमारी मर्जी के बिना क्रूर सिंह से हमारा विवाह तय कर दिया है। हम मर जाएंगे वीरेंद्र, पर किसी और से विवाह नहीं करेंगे। तुम्हें हमारे प्यार को बचाना होगा, अपनी चंद्रकांता के लिए यहाँ आना होगा। ये बूंदा तो माँ का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? अगर ये बूंदा महारानी रत्नगर्भा का है तो ये इस सुरंग में कैसे पहुंचा? सुरंग? कैसी सुरंग? तुम क्या कह रहे हो तेज सिंह, साफ साफ कहो। राजकुमारी, बूंदा हमें नहीं, ये युवराज को मिला था, और युवराज चाहते हैं कि हम पता लगाएं बूंदा है किसका। पर माँ सुरंग में क्या कर रही होंगी? ये क्या है माँ, क्या हो रहा है? हम समझाते हैं सब आपको राजकुमारी जी। देखिए मिष्ठान, फल, वस्त्र, गहने, आपकी पसंद का खास ख्याल रखा गया है राजकुमारी जी। आपकी अनुमति हो तो हम खुशखबरी राजकुमारी जी को दे दें। राजकुमारी जी, कल हमारा आपके साथ विवाह है, और ये सब उसी की तैयारी है। चुन चुन कर ये तोहफे हम आपके लिए लाए हैं। कैसे लगे आपको हमारे तोहफे? हमारा विवाह जी, आपका और हमारा विवाह। ऐसा होने से पहले इस महल को जला डालेंगे हम, विजयगढ़ को मिट्टी में मिला देंगे, पर तुमसे विवाह नहीं करेंगे। हमारा विवाह सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र से होगा। चंद्रकांता, नहीं नहीं महारानी, नाराज नहीं होते हैं, अक्सर विवाह से पहले मन विचलित हो जाता है। विवाह तो आपका
कल ही होगा राजकुमारी जी, और वो भी हमारे साथ। चाहे आप खुशी खुशी राजी हो जाए, नहीं तो हमें जबरदस्ती करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं। माँ, ये बूंदा, ये तो हमारा पुश्तैनी बूंदा है। ये क्यों है? दूसरा कहाँ है? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। दूसरा कहाँ है? हमें क्या पता, एक तुम्हारे पास है तो दूसरा भी तुम्हारे पास ही होगा। ढंग से देखो, इधर ही उधर ही कहीं गिरा होगा। हमारे पास नहीं है, हमसे क्यों पूछ रही हो? ये आपका है माँ, और सही कहा आपने, पुश्तैनी है, पर आपने हमें कभी नहीं दिया। कितना प्यारा बूंदा है माँ, नया बनवाया है? नहीं चंद्रकांता, जब हम विवाह करके इस घर में आए थे ना, तब हमें दिए गए थे। ये हमारे पुश्तैनी बूंदे हैं। जब तुम्हारा विवाह होगा ना, जब तुम नौगढ़ की बहू बनोगी, तो हम स्वयं इन्हें तुम्हें अपने हाथों से पहनाएंगे। कौन हो तुम? ये क्या तरीका है चंद्रकांता अपनी माँ से बात करने का? तुम हमारी माँ नहीं हो, आखिरी मौका दे रहे हैं। बताओ हमें, कौन हो तुम? मौका देती हूं, वरना अपने जहर से मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगी। बता। समय यंत्र, रेत रेत समय यंत्र। ए बिच्छू कन्या, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी जगह नहीं है कि जो मारुत की नजरों से बच सके। बिच्छू कन्या, कब तक बचोगी मेरी नजरों से? We'll be right back.
युवराज। तेज सिंह आप यहां, क्या पता चला? युवराज आपका शक सही निकला, वो शाही बूंदा ही है। महारानी रत्नगर बाका। महारानी रत्नगर बाका जी। और तेज सिंह, वो बूंदा वहां उस सुरंग तक कैसे पहुंचा? युवराज मैं ये नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि महारानी क्रूर सिंह के कब्जे में। क्रूर सिंह के कब्जे में जी। महारानी अगर क्रूर सिंह की गिरफ्त में है तो वो महारानी कौन है जो महल में है? वो क्रूर सिंह का यार नाजिम है, जो महारानी के बेस में पूरे महल में अपना हुक्म चला रहा है। क्या जी? खैर आप चिंता मत कीजिए, अब नाजिम मेरी गिरफ्त में है। बहुत खूब तेज सिंह, बहुत खूब। अगर महारानी रत्नगर का महल में नहीं है, वो आखिर है कहाँ? आखिर इस क्रूर सिंह ने उन्हें छुपाया कहाँ है? कोई तोड़ होता है क्रूर,
तेरी भी इस मायावी औषधि का कोई ना कोई इलाज अवश्य होगा। नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक है अधिक कहती है महारानी, एक तोड़ है पर उस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं, समझी? यही वो जगह थी जहां मुझे उपद्रव मिला था। इसका मतलब महारानी भी आसपास होनी चाहिए। पर किधर? हे प्रभु, सत्य पर असत्य की जीत कभी नहीं हो सकती। इस क्रूर का अहंकार तोड़ने में मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो, मेरी बेटी की रक्षा करो प्रभु। हे प्रभु, इसकी रक्षा कर। महारानी, भागो भागो। पर एक बात बता दें, जल्द ही आपकी पुत्री की जिम्मेदारी सारी हमारे कंधों पर आने वाली है। मांगना है तो उस ऊपर वाले से ये मांगिए कि वो हमारे साथ सदा सुखी रहे। ए प्रभु, ये कुछ मांगती है? मांगना जो मांगती है, पर तेरी कोई मदद नहीं करेगा महारानी। कोई नहीं, हम चलते हैं। दूसरी ओर से कोई आ रहा है। अरे नहीं हुजूर, पानी का तो स्वभाव ही है छलकना। यहाँ कोई नहीं आ सकता, इस जगह के बारे में कोई जानता ही नहीं है हुजूर। आपको बेवजह शंका हो रही है। चुप करो कमबख्त, अब तुम हमें समझाओगे क्या? महारानी रत्नगर्भा।